फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ स्टड कंपनी का स्टड प्रोफेशनल हेलमेट, जो कि कल ही मैंने रिसीव किया है अमेजोन से। डिलीवरी मुझे टाइम पे मिल गई थी। यह हेलमेट देखने में काफ़ी खूबसूरत है। मेरी बाइक जो है वो है अपाची RTR, तो मैं वाइट कलर ही ढूंढ रहा था और मुझे वाइट कलर की हेलमेट मिल ही गई। तो ये हेलमेट देखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है, मैंने इसके रिव्यूज़ पहले भी यूट्यूब में देखे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको लेने के बाद कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हेवी है, अच्छा है। इसका जो मास है वो 1100 ग्राम्स है। पीछे इसका एक रिफ्लेक्टर है। पहले मैं ये सोच रहा था कि इसके पीछे शायद ये स्टिकर होगा। नहीं, ये स्टिकर नहीं, ये प्लास्टिक का ही मटेरियल है जो कि ख़राब नहीं होगा। और ये रिफ्लेक्टर है जो रात को काफ़ी अच्छा काम करता है। फिर मैं इसी भी सोच रहा था कि मैं एक हेलमेट ऑर्डर करूं, और मैं वाइट कलर का ही हेलमेट ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी जो बाइक है वो है अपाची RTR 180। तो उसके हिसाब से वाइट कलर का ही हेलमेट ढूंढ रहा था, तो मुझे ये मिल गया अमेजोन में। और सच में मुझे ये इतना इंप्रेस किया। फिर इसके मैंने वीडियोज़ देखे, लोगों के रिव्यूज़ देखे मैंने, मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। हेलमेट मैंने पहना है और ये मुझे काफ़ी, इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। ये है लार्ज साइज़ का 580 mm का। अपने सर के हिसाब से आप ले लें हेलमेट, ओके। अगर आपको हेलमेट वैसे चेक करना हो, अगर आपको उसका साइज़ मालूम नहीं है, तो आप क्या करें, हेलमेट पहनने के बाद ना अपने सर को आगे पीछे और लेफ्ट राइट करें। अगर आपका हेलमेट आपके स्कल के स्किन के साथ साथ मूव करता है, तो आपको वो हेलमेट का प्रॉपर साइज़ है, आप वही हेलमेट प्रीफर करें। अदरवाइज लूज़ हो जाएगा तो फिर आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत आएगी। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू स्टड के नए हेलमेट के बारे में। आई होप कि आपको ये थोड़ा अच्छा लगा होगा, थोड़ी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। इसके लिए थैंक यू आप सबका सुनने के लिए मुझे।